नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर शहर, देहात, गांव, ढाणी हर जगह चुनावी चर्चा है, चुनावी बातें हैं, चुनावी कार्यक्रम है और चुनावी माहौल है। उसी चुनावी माहौल के दौरान खास तौर से जो युवा नेता हैं कुंभलगढ़ के, योगेंद्र सिंह जी परमार हमारे साथ में हैं। उनको एक सबसे बड़ी, सबसे पहले आपको बधाई की आपने 3-4 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था सरदारगढ़ का उप तहसील और अब तहसील बन गई हैं। ये आपको क्या मतलब, मांगते ही आपको मिल गया ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल, बधाई के पात्र सब सरदारगढ़ वासी और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम माननीय डॉक्टर CP साहब का करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी बदौलत आज गोसुंडी के इस कार्यक्रम में माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री साहब अदालत है। 5 मई को वो कार्यक्रम हुआ था और उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि नायब तहसील को तहसील बनाएंगे, उनके कागज देखे जाएंगे। और आज हमने थोड़े दिनों पहले इसकी क्या जानकारी मिल सकती है, क्या कार्यक्रम हुए कि नहीं हुए, उसकी जानकारी के लिए हमने कलेक्ट्री में हम गए भी थे और उसका आगे कलेक्टर साहब ने आगे पता करवाया। CMO में जब वो कागज़ वहाँ पहुँचे और बहुत जल्दी ये खुशखबरी हमको माने CP साहब की वजह से देखने को मिली। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि CP साहब की वजह से चारभुजा भी तहसील बनी, वही माननीय अशोक जी गहलोत को उस समय भी लेके आए थे, और CP साहब की वजह से आज सरदारगढ़ भी तहसील बनी। 3 तहसीलों की पहली विधानसभा है ये कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ के जो युवा आज यहाँ आए वो क्या इसी की खुशी में आए? बिल्कुल, सरदारगढ़ वासी और कुंभलगढ़ के जितने भी युवा साथी हैं साहब को धन्यवाद देने आए। आज युवा कांग्रेस का सम्मेलन भी है, जिला पर से युवा जमा हुए हैं, हमारे यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष भी आए हैं, महासचिव भी आए हैं, और खासकर हम सरदारगढ़ वासी जो कि नायब तहसील की खुशी को लेकर साहब का स्वागत करना है, उनको धन्यवाद देना है। जैसे मुख्य रूप से नायब तहसील बनी है, सरदारगढ़ के भी कुछ युवा हैं, लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सरदारगढ़ आपके नायब तहसील जो तहसील बननी है कैसा लगता है? सरदारगढ़ नायब तहसील बनी जिसके लिए क्या इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे MLA साहब, भूतपूर्व MLA साहब गणेश सिंह परमार साहब, हमारे PCC से मेंबर योगेंद्र जी भाई साहब और उनकी देन और CP जोशी साहब ने जो सानिध्य का हमारी तहसील बनी है वो, इसलिए हम पूरे सरदारगढ़ गांव वाले आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए कि हमारे गाँव में बनाए हैं। पहली बार सुरेंद्र सिंह जी के राज में, वो अगर 30 साल हो गए राजनीति करते हुए, उन्होंने कभी नहीं किया और हमारे पहली बार जो इन्होंने साहब ने दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं बहुत दिल से। क्या लग रहा है इस बार वापस परिवर्तन होगा कुंभलगढ़ में? बिल्कुल परिवर्तन होगा, आपके बिल्कुल परिवर्तन के मूड में जनता, अब की बात जनता ने मन बना लिया, मानस बना लिया है कि हमारा एक ही बात है कांग्रेस के साथ है। तो यूँ लग रहा है कि दोनों तरफ कुछ तनातनी तो BJP में दिख रही है, कांग्रेस में भी दिख रही है? कांग्रेस में साहब इतना नहीं है, कांग्रेस में सब हाथ के इशारे के साथ में है, ऐसा कुछ नहीं अभी तक। क्या नाम है? मेरा नाम है मुकेश वैष्णव, मैं आमेर तहसील से हूँ और सरदारगढ़ मेरा गांव है। हमें बहुत खुशी हुई कि आज यहाँ नाथद्वारा में क्या कर रहे हैं? आज हम नाथद्वारा में इसलिए आए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत साहब द्वारा, CP जोशी साहब और हमारे पूर्व विधायक साहब गणेश सिंह जी परमार साहब, युवा नेता योगेंद्र सिंह जी परमार साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह जी बावजी, इन सब की मेहनत से और सरदारगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जी मेवाड़ा की सबकी मेहनत और समस्त कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज हमारे सरदारगढ़ में उप तहसील से तहसील हुई है। और हम सभी सरदारगढ़ गांव वासियों की ओर से मुख्यमंत्री साहब, CP जोशी साहब, पूर्व विधायक साहब को, सभी को आभार प्रकट करने आज नाथद्वारा में आए हैं और विधानसभा अध्यक्ष साहब से मिलने आए हैं। तो इसे क्या फ़ायदा मिलेगा? आज हमको हर बार कुछ भी काम होता है आमेट में जाना पड़ता था और इधर उधर दूर दराज जाना पड़ता था, आज हमारे को सरदारगढ़ वासियों को जो भी तहसील में ये जो पट्टे की जो रिश्ते होती है वो सभी हमारे अब गांव में ही होगी तहसील बनने से और युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप जुड़ी रहे जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।